पवित्र परंपरा की धरती है जिसने हर कालखंड में भारत को नेतृत्व दिया है। और आज एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वह भी वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में, आपके उत्साह को देख करके मैं सचमुच आप सभी अरवल वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आपसे अपील करनी है कुछ दो मुद्दों पे। पहली अपील, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 135 करोड़ लोगों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि देश के अंदर समयबद्ध ढंग से उठाए गए कदमों के कारण 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बचाने में सफल रहा। लॉकडाउन की कार्रवाई में भले कुछ लोगों को तात्कालिक परेशानी हुई होगी, लेकिन हर गरीब को राशन मिल जाए, हर गरीब को रसोई गैस के का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हो जाए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती से प्रारंभ करके हर हाथ को काम देने के भी एक अभियान को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, जहां पर राशन देने में कोई भेदभाव नहीं, शासन की सुविधा को देने में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न मत और मजहब का, सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है। मुझे लगता है कि सत्ता प्राप्त करने का आधार इस वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों का यह अधिकार बनता है कि जनता जनार्दन आत्म निर्णय लेकर के इन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दे। याद करिए, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या देश के अंदर कांग्रेस की देन, अलगाववाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना बने, किसानों के लिए योजना बने, नौजवानों के लिए योजना बने, महिलाओं के लिए योजना बने, बिना भेदभाव के बने, ये कभी कार्य ईमानदारी के साथ उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, ये कार्य प्रारंभ हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम किया गरीबों का खाता खुलवाने का, जनधन अकाउंट खोलने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा कार्य किया, हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने का स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया। तीसरा कदम उठाया, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक एक आवास उपलब्ध कराएंगे। चौथा काम किया, हर गरीब के घर में रसोई गैस सेल का सिलेंडर पहुंचाने का। पांचवा काम किया, हर गरीब को विद्युत का निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का। छठा काम किया, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से
हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देने, और बिहार का नौजवान अगर कार्ड बिहार के अंदर बनाया है, वह चाहता है कि राशन कार्ड में उसे मुंबई में और बेंगलोर में राशन मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना दिया है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। मोदी जी ने एक काम और किया, आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को 6000 रुपए सालाना देने का कार्य भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस राजद और भाकपा माले के प्रत्याशियों से पूछिए, उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के लिए क्या किया? ये मकान अगर वे देते तो मोदी जी को घोषणा करने की स्थिति नहीं आती। मोदी जी के पहले अगर वे लोग दे दिए होते तो ये पैसा विकास में खर्च होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने विकास भी किया है, गरीबों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी आवश्यक है। दूसरा कि रामलला हम आएंगे बोलते थे ना राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस राजद भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया है। हमने जो कहा वो कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है, और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया है। लेकिन कांग्रेस में, आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा, अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, अभी वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? जब यहां पे इस बिहार के अंदर, जब बिहार के अंदर लालू जी के नेतृत्व में राजद की सरकार थी, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, उस समय गरीबों को राशन तो नहीं मिलता था ना, लेकिन पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था, यानी मनुष्य की बात तो दूर, जो लोग पशुओं तक को न छोड़ते हो तो भाइयों बहनों, क्या वे वोट पाने के अधिकारी हैं? क्या आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पहला कार्यकाल देश की आम जनमानस की, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य का, और दूसरा कार्यकाल देश से आतंकवाद को समाप्त करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का, और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। हो रहा है ना? कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना? अब कश्मीर में
अब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर कोई पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है हमला करेंगे तो फिर राम नाम सत्य है तय है। ये भी तय है ना। तो भाइयों बहनों, अब वोट पे अधिकार किसका है? आप इतनी भारी संख्या में हैं। देखिए मैं सच बताऊं, जब मैं आज सुबह लखनऊ से चला था, मुझे वहां पे एक सज्जन ने पूछा कि कितनी भीड़ होगी। मैंने कहा यार देखो, कोरोना काल खंड है, 2,000-2,500 की भीड़ रहेगी। यहां पे मैं देख रहा हूं 25,000-30,000 की भीड़ आ गई है। अगर ये 25,000-30,000 की भीड़ अपना मोबाइल फोन लेकर के पूरे बिहार के अंदर घनघनाना प्रारंभ कर देगी कि एनडीए के प्रत्याशी जहां भी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, जिन्हें एनडीए ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, ये जहां से भी चुनाव लड़ने हैं इन्हीं को वोट देना है। तो भाइयों बहनों, 3/4 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए इस गठबंधन से जुड़े हुए प्रत्याशी 3/4 से अधिक संख्या में बिहार के अंदर चुनाव जीत करके जाएंगे और भारी संख्या में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर सरकार बनेगी। क्या ये काम करेंगे? तैयार हैं? दीपक जी ने जो बात कही, क्या उसके लिए तैयार हैं? तो जरूर आप सबसे मेरी अपील है, हमें अब इस अरवल की धरती पर, जहानाबाद की धरती पर किसी भी प्रकार के नरसंहार को अनुमति नहीं देनी है, किसी प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने जाना है। भ्रष्टाचार और अराजकता को किसी भी स्थिति में हम जन्म नहीं लेने देंगे, और अराजकता पैदा करने वालों का जवाब, बुलेट का जवाब बैलेट से देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे अपील, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दीपक शर्मा को देखिए, किसानों के लिए काम किया है और आज बिहार विधानसभा में जाकर के आपको यहां पर शासन की हर योजना से जोड़ने के लिए वे आपके बीच आए हैं, और इसलिए आप सबसे अपील, श्री दीपक शर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।